उसने सलाह दी कि भाई तुम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तुम्हारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होंगे तुम इस कंपनी को पब्लिक करो लिस्टिंग कराई ट्वेंटी एट टाइम्स इशू और सब्सक्राइब हुआ शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ी इसी ने बताई कि हमें अपना गोल प्लेस करने के लिए विदेश जाना पड़ा तीस साल की जर्नी में ये कंपनी छ करोड़ से पच्चीस हजार कोट कामयाबी के सफर में लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे आप उनके ऊपर वापस पत्थर नहीं फेंकें, उनका संग्रह करके अपना साम्राज्य बनाएं। सफलता आसानी से नहीं मिलती उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है समय देना पड़ता है अपना सब कुछ निछावर करना पड़ता है तो आप सफलता हो पाते हैं मैं दिनेश आरा फाउंडर ऑफ लीडिंग ब्रांड्स न्यूट्रेला महाकोश एंड फाउंडर ऑफ दिनेश आरा फाउंडेशन आपके साथ अपने जीवन यात्रा को शेयर करना चाहता हूँ मेरा जन्म इंदौर के नज़दीक बड़नगर में एक कशी प्रधान परिवार में हुआ हमारे पिताजी का एक ऑयल मिल इंडस्ट्री थी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद के प्रोडक्शन करती थी मेरे जीवन में माता पिता का स्नेह उनका आशीर्वाद और उनके जीवन की जो सीख मैंने प्राप्त की वो मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ मैं सेंट पॉल स्कूल इंदौर में पढ़ा हूँ वहाँ जब एनुअल स्पोर्ट्स होते थे तो स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे कहा कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया प्रैक्टिस करी और लॉन्ग जंप में मैं प्रथम भी आया पर मेरे से एक गलती हुई कि जब लॉन्ग जंप में मैंने जंप लगाई तो प्राय हमें हाथ आगे करना पड़ते हैं तो मैंने उसको पीछे करा और मेरी एक हाथ की रिस्क में फ्रैक्चर हो गया इस घटना से मेरे जीवन में ये सीख मिली मुझे कि जीवन में जो भी कार्य करो उसके नियमों का पालन करो नहीं तो कोई भी इतनी घटना घटित हो सकती है जिससे आपको नुकसान हो सकता है मेरी ये मान्यता है कि कोई भी जीवन में बड़ा कार्य करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगी परंतु कैलकुलेट रिस्क सोच समझ कर में लेना चाहिए और बिना रिस्क लिए हम कोई बड़ा और महान कार्य नहीं कर सकते मैं अपने स्कूल के समय ही मैंने तय किया था कि मैं केमिकल के इंजीनियरिंग करूँगा क्योंकि हमारे जो दूसरे ब्रदर्स थे वो मैकेनिकल इंजीनियर और इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे तो मैं क्या मैं नया कुछ करूँगा इसे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी और इंडिया के लीडिंग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एच बी टी में मैंने एडमिशन ली और 1968 से 72 तक मैंने यूनिट्स में थर्ड रैंक ला के अपने केमिक को प्राप्त किया अर्ली सेवेंटीज में हमारी फैमिली ने आइडेंटिफाई सोबिंग क्रॉप को किया ये क्रॉप हमारे भारत की न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए और किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए उपयोगी थी इंडिया का पहला प्लांट 7475 में हमारी फैमिली ने लगाया और क्योंकि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी थी तो मेरा सौभाग्य है कि मुझको ये जिम्मेदारी दी 78 से एटी सिक्स तक जैसे जैसे सोयाबीन की क्रॉप बढ़ती गई चूँकि किसानों को इसका मूल्य बहुत दूसरी क्रॉप के बदौलत ज़्यादा मिल रहा था क्रॉप मल्टीप्लाई बढ़ती रही और हमने एक कारखाने से ग्यारह कारखाने उस दौरान लगाए और जो पहला प्लांट जो था एक लाख टन से चौदह लाख टन की कैपेसिटी इस्टेब्लिश करी और इंडिया की पहली लार्जेस्ट कैपेसिटी नंबर वन सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट का खिताब हासिल किया किसान अपनी क्रॉप वहीं बोता है जहां उसको अपना ग्राहक मिलता है इसलिए भारत में जो सोयाबीन की जो क्रॉप है वो हाईएस्ट मध्य प्रदेश में होती है फिर राजस्थान में है और महाराष्ट्र में है तो हमने सभी जगह प्लांट लगाए। तो उसने किसान क्रॉप को बढ़ने में बहुत मदद करी क्योंकि जब किसान देखता है कि ग्राहक उसके सामने है तो क्रॉप को बढ़ाता है तो भारत में सोयाबीन की जो उत्पत्ति हुई उसमें हमारी फैमिली फैमिली को बड़ा योगदान है एक बार मैं एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गया था वहाँ मेरी एक मुलाकात एक लीडिंग वर्ल्ड के इंडस्ट्री से हुई उसने जब मेरे एम्बिशन को सुना क्योंकि मैं हमेशा ये सोच लेती थी कि मुझे नंबर वन अपने फील्ड में बनना है सोयाबीन में तो मैंने हमारे परिवार की मदद से किया ही था सो उसने सलाह दी कि भाई तुम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तुम्हारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होंगे तुम इस कंपनी को पब्लिक करो और यदि अच्छा कार्य करोगे शेल्डर की वैल्यू बढ़ाओगे तो तुम्हारे लिए फाइनेंशियल रिसोर्स की कभी कमी नहीं होगी नाइनटीन के दौरान मैंने रुचि सोया कंपनी प्रमोट करी लिस्टिंग कराई ट्वेंटी टाइम्स और सब्सक्राइब हुआ शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ी और पहले साल उसका जो टर्नओवर था वो छह करोड़ का था शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया और 1986 एटी से 2015 तक 30 साल की जर्नी में ये कंपनी 6 करोड़ से पच्चीस हजार करोड़ की कंपनी बनी हर साल 25 से 30 परसेंट उसने ग्रो किया शेयल्डर को डिविडेंड दिया होल्डर की वैल्यू बढ़ी और कंपनी को जितने फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए थे वो तो मिलते रहे मेरी मेहनत को और रुचि सोया की ग्रोथ के लिए बेस्ट सीओ का अवार्ड भी मिला मेरी कल्पना थी कि भारत में नहीं विश्व में भी रेकोगेशन हो क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन के कारण फूड का कंजम्पशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था सबसे लार्ज ग्रोथ कंटिन्यूसली फॉर थर्टी इयर्स वाज वर्ल्ड रेकोगनाइज एंड रुचि रुचि सोया वाज बीइंग अवार्डेड एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग एफ एम सी जी कंपनी एंड अमंग टू फिफ्टी फूड कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो लेट एटीज में इंडिया एक क्लोजर इकोनॉमी था इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड थे इंडस्ट्राइजेशन डोमेस्टिक लेवल पे था और इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस में आया इसी नौबत आई उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे तो इसी नौबत आई कि हमें अपना गोल्ड प्लेस करने के लिए विदेश जाना पड़ा भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया ग्लोबलाइजेशन का एक्सेप्ट किया फाइनेंशियल क्राइसिस जो थी वो टल गई परंतु इंडियन कॉरपोरेट्स को यह मैसेज मिला कि अब गवर्नमेंट फेवर्स आपको नहीं मिलेंगे आपको अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा आपके प्लांट जो आपके छोटे प्लांट्स हैं 100 टन 200 टन रिफाइनरी जो हमारी थी उसमें 100-200 टन बिगेस्ट प्लांट था और वर्ल्ड में हजार टन पटे के प्लांट थे हमने सोचा चूंकि हमारा उद्देश्य नंबर वन बनने का था तो पहला प्लांट ने हजार टन पटे का बजाज में लगाया चैलेंज था कि जो प्लांट हमारे पास हैं उनको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना पड़ेंगे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखना पड़ेगा और वर्ल्ड से कॉम्पीट करना पड़ेगा तो रिफाइनरी बिजनेस में हमारे इंडोनेशिया मलेशिया से कॉम्पिटिशन थी वहाँ बड़े बड़े प्लांट थे हाईली एफिशियंट थे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था हमने भी वो सब टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया और हम उनसे कॉम्पीट कर पाए सोयाबीन के क्षेत्र में ब्राज़ील अर्जेंटीना से कॉम्पिटिशन थी उसको भी हमने मैच किया और अपनी ग्रोथ कंटिन्यू किया कोई भी इंडस्ट्री को आगे यदि बढ़ना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एफिशिएंसी स्किल्ड वर्कर्स एंड टीम वर्क ये तीनों का होना अनिवार्य है हमने एचआर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया ये सॉफ्ट इम्प्लीमेंट किए और देखा कि भाई स्टाफ मोटिवेटेड रहे और हम आगे बढ़ें ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने फॉरवर्ड इंडिकेशन और बैकवर्ड इंडिकेशन भी इम्प्लीमेंट किए फॉरवर्ड इंडिकेशन में ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट किया न्यूटलिया ब्रांड में महाकोज ब्रांड में नए नए ब्रांड्स रुचि गोल्ड सनरिच इंट्रोड्यूस किए और बैकवर्ड इंडिकेशन के लिए पाम प्लांटेशन में एंटर हुए भारत में और इंडोनेशिया में भारत के अंदर दो प्लांट एक्वायर किए और पाम प्लांटेशन बिजनेस में हम अगेन नंबर वन पाम प्लांट कंपनी बने अपने जीवन की यात्रा से के अनुभव से मैं यूथ और यंगर जनरेशन को एक सीख देना चाहता हूं कि जीवन में थ्री पी द फर्स्ट पी स्टैंड फॉर पर्पस द सेकेंड पी स्टैंड फॉर पैशन एंड द थर्ड पी स्टैंड फॉर प्राइड आप जीवन में आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप परपस क्या है आपका गोल क्या है और उस गोल से ही आप अपना रोल डिसाइड कर सकते हैं सेकंड पी पैशन जो आपको बोलता है कि आप एफर्ट्स करिए नो गिव हार्ड वर्क इज ए पैशन जब दोनों ही आप कमिटेड ढंग से करेंगे परपस आपको क्लियर है एफर्ट्स आप बेस्ट कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स सुनिश्चित ही अच्छे होंगे वो आपके हिसाब से होंगे तो फिर आप थर्ड पी स्टैंड फॉर प्राइड आप गौरव होगा अभिमान नहीं गौरव कि मैंने अच्छा किया मैंने प्राप्त किया वो आपके अंदर उत्साह उमंग जोश लेके आएगा और आप अपने गोल के प्रति और आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आप इन थ्री पी को अपनाइए एंड आगे बढ़िए दो हजार बारह में मैंने एक एनजीओ जी डी एस एफ दिनेशरा फाउंडेशन बनाई क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ किसानों से हमारा ताल्लुक रहता है तो उनके यहाँ की जो महिलाएं हैं वुमन उनकी जो प्रोड्यूस करती हैं उनको एनकरेज करते हैं कि वो कुछ अपने समय का सदुपयोग करके जो भी सामान बनाएं हम उनको मदद करते हैं कि वो उनका सामान बिके इस टाइप के इनिशिएटिव्स से हर व्यक्ति को मुझको स्वयं को ऐसा लगता है कि भाई हमारा जीवन एक उपयोगी होगा लोगों के लिए सदुपयोगी हो और अपने लिए एक आत्मसंतोष करें हमारा जीवन जो है अपने लिए तो है ही है परंतु दूसरों के काम आए ये सब विचार हमेशा जीवन में अपने रखना चाहिए इस दौरान मैंने तीन किताबें सनातन विजम सनातन लीला और सनातन उत्सव जिसे हमारे शास्त्र में कहा है कि हम अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए तीन रास्ते अपना सकते हैं ज्ञान कर्म और भक्ति सनातन विजम ज्ञान मार्ग है लीला कर्म मार्ग है और उससे भक्ति मार्ग है ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है दिस लाइफ इज बिगेस्ट गिफ्ट द गॉड इज गिवन टू यू इसको हमको जीना है हर पल हर क्षण इसको सेलिब्रेट करना है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है और तो बाकी तो सब लोग जबरदस्ती जिंदा है मैं चाहता हूं कि आप मस्त होके जिए जबरदस्ती नहीं चाहिए तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें